हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। आप देख रहे हैं मेरे चैनल सुपर शिवानी। आज हम बनाएंगे सब्जी जिसे हम बनाएंगे माइक्रोवेव में। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए इस करेले की सब्जी कितनी टेस्टी बनी हुई है, जिसे मैंने बनाया है ओवन में। तो चलिए इसे कैसे बनाना है इसे देख लेते हैं। इस करेले के कड़वेपन को निकालने के लिए सबसे पहले हम इसे 2 पोर्शन में कट कर लेंगे, पीसेस से कट करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसके सेंटर पर जो वाइट पोर्शन है, इसे हमें अच्छे से निकालना है। तो इसे हम निकाल दें तो ज़्यादा बेहतर होता है, इससे हमारा करेला अच्छे से कुक भी हो जाता है और उसका कड़वापन भी 50-70% तक कम हो जाता है। तो इसे हम निकाल लेते हैं। इसे आप किसी पॉइंटेड नाइफ से इसे ऐसे निकाल लेंगे। आप ऐसे ही मैंने इसे निकाला है, बचा कर निकालिएगा अपनी उंगलियों को। जो भी हमें दिख रहा है इसे हम अच्छे से निकाल लेंगे। और ये देखिए मैंने इसे निकाल लिया है। थोड़ा बहुत बच भी जाए तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, उसे छोड़ देते हैं। और इसी तरह हम दूसरे पोर्शन का भी यहाँ पर निकाल लेंगे। अगर आप इन सीड्स को निकालना नहीं चाहते हैं तो आप इसे एज इट इज़ कुक कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसे इनको निकाल कर ही कुक करती हूँ। इससे जो कड़वापन है ये चला जाता है करेले से और हमारे करेले की जो सब्जी है वो बहुत टेस्टी लगने लगती है खाने में। और भी ट्रिक्स हैं जिनसे आप इन करेले के कड़वापन को निकाल सकते हैं, एक एक करके मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। और हम इसे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसे कट किया है, ऐसे ही कट कर लेंगे पतले पतले साइजेस में। आप इसे 2 पोर्शन में कट कर सकते हैं, हाफ हाफ कर सकते हैं। ये करेले की जो रिंग है वो देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं इसे सर्कुलर फॉर्म में कट कर रही हूँ। और ऐसे ही हम सारे करेले को कट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं मैंने इसे कट कर लिया है। और यहाँ पर दूसरा स्टेप जो है, इसके कड़वेपन को हटाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 1/2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर नमक लेना है और इसे इसमें अच्छे से स्प्रिंकल कर लेना है। और अब हम इसे 1/2 आवर के लिए, यानी कि आधे घंटे के लिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो हमारा नमक है वो करेले का कड़वापन अच्छे से निकाल दे। और फिर हम इसे अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे और फिर उसके बाद इसकी सब्जी हम तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग करेले की सब्जी इस वजह से नहीं खाते कि क्योंकि ये बहुत कड़वा होता है। तो अगर आप इसका कड़वापन ऐसे थोड़ा सा निकाल लेंगे तो आपकी सब्जी बहुत अच्छी लगेगी खाने में और बच्चे भी इसे बिल्कुल शौक से खा लेंगे। तो इसे हम 1/2 आवर के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद इसकी हम सब्जी तैयार करेंगे। और यहाँ पर इस करेले के कड़वेपन को दूर करने के लिए तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात माइंड में रखनी है कि आपको यहाँ पर ऑनियन का इस्तेमाल, यानी कि प्याज का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा करना होगा। इससे हमारे करेले का कड़वापन थोड़ा दूर हो जाता है, क्योंकि हमारे प्याज में मिठास होती है हल्की सी, इस वजह से हमारे करेले का जो कड़वापन है वो दूर हो जाता है। तो आप यहाँ पर ऑनियन का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा करें। आप जितना यहाँ पर करेला का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बराबर या उससे थोड़ा सा कम ऑनियन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 से 2.5 कप यहाँ पर ऑनियन, जिसे मैंने बड़े शेप में कट किया है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी चाहें इसे कट कर सकते हैं। और मैं इसे इस सब्जी को प्रिपेयर करने में इस्तेमाल करूंगी। और इस करेले में नमक स्प्रिंकल किए हुए मुझे आधे घंटे हो चुके हैं, तो अब हम इसे टैप वाटर से अच्छे से वॉश कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी सब्जी प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए इसे वॉश कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पर एक माइक्रोवेव सेफ बोल लेंगे, क्योंकि हम इसे यहाँ पर माइक्रोवेव में बनाने वाले हैं। आप चाहें तो इस काम को कढ़ाई में भी कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें हम करीब 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल, यानी कि मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। आप यहाँ पर कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हैं। और इस ऑयल में हम थोड़े से ग्रीन चिली ऐड करेंगे, जिसे मैंने लंबे शेप में कट किया है। और जो हमने यहाँ पर ऑनियन को कट करके रखा है उसे भी इस बोल में डाल देंगे। और ये मैंने करेले को अच्छे से वॉश कर लिया है टैप वाटर से, अब इसमें हम इसे ऐड करेंगे। और अब हम इसमें स्वाद के अनुसार यहाँ पर नमक ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून सॉल्ट यूज़ किया है। मैंने यहाँ पर 5 करेले यूज़ किए हैं, साथ ही यहाँ पर 3 मैंने बड़े प्याज यूज़ किए हैं। आप इस रेशियो का भी ध्यान रखें। और इसके बाद हम यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून डालेंगे धनिया पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहते हो इसे स्किप कर सकते हैं अगर बिना मसाले के आप करेले को पसंद करते हैं। और 1 टेबल स्पून हम डालेंगे यहाँ पर टर्मरिक पाउडर, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहते हो इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड करने से हमारे जो करेले का ग्रीन कलर है वो थोड़ा और इन्हेंस हो जाता है। कुछ लोग अगर ग्रीन वेजिटेबल्स में हल्दी को डालना पसंद नहीं करते हैं तो वो अवॉइड कर सकते हैं। और 1/2 टेबल स्पून हम यहाँ पर डालेंगे गरम मसाला पाउडर। और अब हम यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो चलिए इसे अब हम माइक्रोवेव के अंदर रख देते हैं और इसे अच्छे से कुक कर लेते हैं। तो इसे कुक करने के लिए आपको कौन सा मोड लगाना है, चलिए इसे भी हम देख लेते हैं। तो इस वेजिटेबल वाले बोल को हम इस माइक्रोवेव के अंदर रख देते हैं।
इसे कुक करने के लिए आपको यहाँ पर इसे प्रीहीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्ट इसे कुक कर सकते हैं। तो अब हम इसके डोर को क्लोज कर देंगे। तो इसे कुक करने के लिए हम यहाँ पर माइक्रो प्लस ग्रिल बटन को एक बार प्रेस करेंगे। आप इसे क्विक स्टार्ट बटन से भी कुक कर सकते हैं, पावर लेवल बटन से भी कुक कर सकते हैं, और यहाँ पर माइक्रो प्लस ग्रिल से भी आप इसे कुक कर सकते हैं, और माइक्रो प्लस कन्वेक्शन से भी आप इसे कुक कर सकते हैं। तो मैं इसे आपको माइक्रो प्लस ग्रिल पे आज कुक करने का तरीका बताने वाली हूँ। तो इसे हम एक बार प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर CU1 आने लगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटा सा ग्रिल और माइक्रो लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पर करीब 20 मिनट का यहाँ पर टाइम सेट करेंगे, बीच बीच में हम इसे चला लेंगे चेक करके, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर 20 मिनट का यहाँ पर टाइम सेट करेंगे। यहाँ पर सिर्फ टाइम आप सेट कर सकते हैं, टेम्परेचर वो अपने आप ही लेता है। तो यहाँ पर हम टाइम यहाँ पर 20 मिनट का सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 प्रेस करेंगे और 0 0 0। तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 20 मिनट का यहाँ पर टाइम सेट कर दिया है, और जैसे ही हम स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे हमारी कुकिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। मिक्स कर लेंगे इसे थोड़ी देर। आप चाहें तो इसे बाहर निकाल कर अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, मैं इसे यहाँ पर बचा कर यहाँ पर मिक्स कर ले रही हूँ, और इसे वापस कुक करने देते हैं। मैंने इसे 10 मिनट बाद माइक्रोवेव से बाहर निकाल लिया है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर, और इसमें हम लेमन जूस ऐड करेंगे यानी नींबू का रस, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर नींबू का रस ऐड करने से करेले का कड़वापन और भी कम हो जाता है, तो यहाँ पर आप इसे ऐड कर सकते हैं। और इस बोल को जब भी आप माइक्रोवेव से बाहर निकालें बहुत सावधानी से, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। मैंने यहाँ पर ग्लव्स का इस्तेमाल किया है, किसी मोटे टॉवल से इसे पकड़ कर बाहर कर सकते हैं, नहीं तो आप इस ग्लव्स से भी आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो अब हम इसे वापस माइक्रोवेव के अंदर रख देते हैं और इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। और आप देख सकते हैं हमारे करेले यहाँ पर 70% तक कुक हो चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पर 20 मिनट में ये पूरा कुक नहीं हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर इसे 10 मिनट ग्रिल प्लस माइक्रोवेव मोड पर इसे हम कुक कर लेंगे। आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन 2 में भी इसे कुक कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन 1 में भी कुक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कॉम्बिनेशन 1 लगाया था, तो उसके डोर को क्लोज कर देंगे और यहाँ पर 10 मिनट का हम टाइम फिर से सेट कर देंगे। और ये देखिए 10 मिनट का यहाँ पर टाइम सेट हो गया है, और स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे और हमारी वेजिटेबल यहाँ पर कुक होने लगेगी। मैंने इसे अच्छे से चला दिया है एक बार, आप भी इसे जरूर से चला लें। तो स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं और ये हमारा करेले की सब्जी है जो बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए इसे हम बाहर निकाल लेते हैं।